दोस्तों इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या डिफरेंट है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मेरे सामने जो एलजी का मशीन दिख रहा है, ये सबसे पुराना मॉडल है और विदाउट इन्वर्टर एसी है। ये मेरे जो सामने एसी देख रहे हैं, ये एलजी का ही इन्वर्टर मॉडल है। दोस्तों ये काम कैसे करता है, इन्वर्टर मॉडल और नॉन इन्वर्टर मॉडल का काम कैसा है, और कूलिंग का क्या प्रॉब्लम है, कूलिंग किसका अच्छा है और कूलिंग किसका ख़राब है, कौन बिजली ज़्यादा खाता है और कौन बिजली कम खाता है, दोस्तों आज का वीडियो इसी पे बनने वाला है। दोस्तों जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है, इसमें कॉन्टैक्टर और कैपेसिटर लगा रहता है जिसके थ्रू कंप्रेसर चलता है और फैन मोटर चलता है और एसी कूलिंग करता है। इसमें गैस R22 भी डाला जाता है, ज़्यादातर R22 ही गैस इसमें डाला जाता है नॉन इन्वर्टर एसी में। और दोस्तों इसका क्या है, जो फैन स्पीड है इंडोर का वो मीडियम लो हाई होता है, और ये मीडियम लो हाई कर देंगे उसी समान में और उसी रफ्तार में वो चलता जाएगा। उसमें अगर वो ऑटोमेटिक कम नहीं हो, अगर हाई लो कर दिए तो लो में ही चलेगा, हाई कर दिए तो हाई में चलेगा और मीडियम कर दिए तो मीडियम में ही चलेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिक अप डाउन नहीं करेगा। और दोस्तों इसमें क्या है, जो रोटरी कंप्रेसर ज़्यादातर लगे रहते हैं, एक करेंट ज़्यादा लेता है यानी आपका बिजली ज़्यादा खाता है, क्योंकि आपका जो कंप्रेसर होता है वो एसी वोल्टेज पे चलता है और इसमें जितने भी कैपेसिटर पार्ट पुर्जे फैन मोटर लगे रहते हैं सब एसी वोल्टेज पे चलते हैं, इंडोर हो या आउटडोर हो, ये सब एसी वोल्टेज पे चलते हैं जिसके वजह से आपका बिजली ज़्यादा खाता है। और दोस्तों रहा कूलिंग के बाद, तो कूलिंग ये भी अच्छा करता है, कूलिंग में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन ये है, ये मशीन है, आप जब घर में लगवाएंगे, स्प्लिट में लगवाएंगे, डक्टेबल मॉडल में लगवाएंगे तो इसमें थोड़ा बहुत साउंड रहेगा, जैसे एकदम साइलेंट मशीन नहीं है, थोड़ा बहुत साउंड रहेगा। नए में तो नहीं पता चलेगा, जैसे जैसे पुरान होता जाएगा इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते जाएंगे, जैसे फैन मोटर में साउंड आ गया या कुछ अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम आते रहेंगे, थोड़ा सा इसमें नॉइज रहेगा। दोस्तों ये नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में मैं बता रहा हूँ, कोई भी हो, अभी तो मैं फ़िलहाल एलजी एसी के बारे में बता रहा हूँ, और चाहे वो ब्लू स्टार हो, डाइकिंग का कोई भी एसी हो जो नॉन इन्वर्टर एसी है, ये सब में लागू होता है। दोस्तों ये सारी एसी में ज़्यादातर R22 गैस का इस्तेमाल किया जाता है और ये बिजली बिल थोड़ा ज़्यादा खाता है इन्वर्टर मॉडल से। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ इन्वर्टर मॉडल के बारे में, आप इन्वर्टर मॉडल के बारे में ध्यान से सुने। दोस्तों ये एलजी का इन्वर्टर मॉडल है, अब इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले इसका पावर के बारे में बात करेंगे, इसमें भी एसी करंट पे ही चलता है, मतलब इसको एसी करंट दिया जाता है। इसमें एलजी में तो दो पीसीबी लगे होते हैं, लगे हुए हैं, और यही आप डाइकिंग का इन्वर्टर देखेंगे तो उसमें तीन पीसीबी लगा हुआ है, एक मॉडल पीसीबी, एक पावर पीसीबी, एक कंट्रोल पीसीबी है। इसमें दो ही पीसीबी लगे हुए हैं, एक मॉडल है, एक कंट्रोल पीसीबी है। दोस्तों ये चाहे कोई भी इन्वर्टर मॉडल हो, कोई भी कंपनी का इन्वर्टर मॉडल हो, सबका काम सेम ही है। अब ये करंट इसको दिया जाता है 220 यानी 220 इसको करंट दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है, जो पीसीबी बड़े बड़े जो इसमें पीसीबी लगे रहते हैं वो बहुत ही महंगे पार्ट पुर्जे हैं, अब वो क्या करता है कि उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में वो कन्वर्ट करता है, और हमारा जो कंप्रेसर है वो भी डीसी वोल्टेज पर चलता है, और हमारा जो फैन मोटर है, जो आउटडोर का फैन मोटर है, वो भी डीसी वोल्टेज पर ही चलता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, इसमें बिजली का बहुत ही ज़्यादा सेविंग है, करके चलाते हैं या नॉन इन्वर्टर घर में आप एसी लगाते हैं तो आप महीने का अगर वो 50 यूनिट खा रहा है तो महीने का 30 यूनिट ही खाएगा, आपका 20 यूनिट का सेविंग है। दोस्तों पहली बात ये, दूसरी बात ये है कि दोस्तों ये बहुत ही साइलेंट मशीन है, अगर आप इसका एसी को चाहे स्प्लिट में चाहे डक्टेबल में अगर इस एसी को आप घर में लगा रहे हैं तो आपके घर में एसी चलेगा और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मेरे घर में एसी चालू है कि नहीं, लेकिन ठंडिक पूरा देगा, मतलब कूलिंग जो इसकी कैपेसिटी है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावरफुल कैपेसिटी है और बहुत अच्छा से ये काम करता है। दोस्तों आइए इस पे गैस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें दो टाइप की गैस डाली जाती है, एक 410 गैस डाली जाती है जो बहुत ही हाई प्रेशर की गैस होती है, एक R32 गैस भी डाली जाती है। एलजी में ज़्यादातर 410 डाली जाती है और डाइकिंग, ब्लू स्टार और भी बहुत सारे जो एसी इन्वर्टर मॉडल उसमें ज़्यादातर R32 गैस डाली जाती है। दोस्तों दोनों गैस हाई प्रेशर गैस होते हैं और दोनों की कूलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा कूलिंग है, आप आंख बंद करके इन्वर्टर मॉडल घर में आप लगवा सकते हैं। दोस्तों इसमें एक और
बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। जैसे कि आप इसको ऑटो मोड में डाल के सोएंगे रात में, तो क्या होगा, ऑटो मोड सेम नॉन इन्वर्टर की तरह ही काम करेगा, जैसे आउटडोर और इनडोर दोनों एक साथ बंद हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कब बंद हुआ कब चालू हुआ, क्योंकि ये बहुत ही साइलेंट यूनिट है। अगर आप ऑटो मोड में नहीं डालते हैं और विदाउट ऑटो मोड में आप चलाते हैं तो एसी भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, आपको रात में थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसमें होगा क्या, जब आप ऑटो मोड पे नहीं डाल के सोएंगे तो आपका क्या होगा, रूम का टेम्परेचर जैसे मेंटेन होगा, आउटडोर बंद हो जाएगा और जो इंडोर है दोस्तों वो कंटिन्यू चलेगा, लेकिन उसका जो उसमें हाई मीडियम लो आप किसी भी मोड पर डाल दें, जैसे आउटडोर बंद हो जाएगा फ़ैन का स्पीड इतना स्लो हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि फ़ैन चल रहा है, लेकिन वो फ़ैन चलता रहेगा। और जैसे आउटडोर चालू होगा फिर धीरे धीरे इंडोर का जो फ़ैन है वो बढ़ता जाएगा और जैसे आपका कूलिंग मेंटेन हो जाएगा, रूम का टेम्परेचर आ जाएगा, फिर से क्या होगा कि धीरे धीरे इंडोर का जो फैन मोटर है जो ब्लोअर है वो एकदम फिर एकदम लो हो जाएगा। आप सोचेंगे कि एकदम बंद हो जाए, तो ये बंद नहीं होता है। ये सिचुएशन में ये इन्वर्टर मॉडल के बारे में बता रहा हूँ, ये बंद बिल्कुल भी नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, रात भर चलेगा, चाहे उसका स्पीड बस एकदम लो हो जाएगा और जब एसी आउटडोर चालू होगा तो एकदम हाई हो जाएगा। और जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसमें क्या है, आप जिस मूड पे डाल देंगे उस मूड पे या तो उसी मूड पे चलता रहेगा, उसमें कम ज़्यादा नहीं होगा, या तो ऑटो में डालेंगे तो दोनों एक साथ बंद हो जाएगा। जो नॉन इन्वर्टर एसी है इसमें उतना खर्चा नहीं है, जैसे इसका कैपेसिटर कॉन्टैक्टर का ही खर्चा है जो 100-200 रुपये में आसानी से मार्केट में मिल जाता है, तो इतने का ही खर्चा है। अब कंप्रेसर ख़राब होगा तो भैया उसका कंप्रेसर का चार्ज थोड़ा ज़्यादा है तो वो देना पड़ेगा, बाकी इसका जो पार्ट पुर्जे हैं ये सस्ते हैं। आई इन्वर्टर मॉडल के जो पार्ट पुर्जे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक और चीज़ इसमें है, अगर आप इन्वर्टर मॉडल लगाएंगे तो आपको कंप्रेसर का वारंटी कम से कम 10 साल तक मिलेगा, यानी आपका 10 साल तक आप आसानी से मतलब टेंशन फ्री होकर एसी को चालू कर सकते हैं। लेकिन पीसीबी का जो वारंटी है वो केवल एक साल का ही मिलेगा, एक साल के अंदर अगर आपका इंडोर या आउटडोर का पीसीबी ख़राब हो रहा है तो चेंज कंपनी कर सकता है, उसके बाद ख़राब होगा तो कंपनी चेंज नहीं करेगा, फिर आपको पैसा देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों यही डिफरेंट है एलजी इन्वर्टर मॉडल और नॉन इन्वर्टर मॉडल में। दोस्तों आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। और दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अपने स्टेट का नाम ज़रूर लिखें, चाहे आप किस कंट्री से देख रहे हैं उस कंट्री का नाम ज़रूर लिखें, ताकि मुझे मालूम चले कि मेरे वीडियो किस स्टेट के लोग और किस कंट्री के लोग ज़्यादा देख रहे हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।